गुड मॉर्निंग। आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठंड लग रही है। मन कर रहा है स्वेटर पहन ले, लेकिन सारा स्वेटर अंदर मैंने रख दिया है। तो भी सारा काम करने के बाद फिर निकालूंगी, क्योंकि जब फ्री बैठो ना तभी ठंड वगैरह थोड़ा ज़्यादा लगती है। तो अभी तो काम बहुत ज़्यादा है, अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है, तो अभी काम शुरू होगा। और चलिए फिर, आज मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं आप लोग के साथ। अभी जो है किचन में आ गई हूँ, फटाफट पहले पानी पीऊंगी एक गिलास, फिर चाय चढ़ाऊंगी। तो मेरी मॉर्निंग कुछ ऐसे होती है, आपकी कैसे होती है मुझे जरूर बताना। चलिए चाय चढ़ाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले मैंने चाय चढ़ाया, क्योंकि जो है चाय लवर को पता ही होगा कि चाय पीना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना। और उसके बाद फिर जो है मैं बनाने जा रही हूँ, नाश्ता भी बना दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा लेट उठी हूँ तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड में। यहाँ पर मैंने 2-3 आलू लिया है, साथ में 2 प्याज लिया है, क्योंकि बस सिंपल सी थोड़ा सा आलू की भुजिया बनाऊँगी, और उसके बाद फिर जो है रोटी वगैरह बन जाएगी। ट्रेन आ रही थी तो मैंने एडिटिंग जो है रोक दी थी, क्योंकि ट्रेन की आवाज़ बहुत ज़्यादा रहती है, सुनाई कम देता है। मतलब सुनाई क्या, आप लोग को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, अगर मैं बोलूँगी भी ना तो समझ नहीं आएगी। एकदम घर से तो बगल में ही ट्रेन निकलती है, तो उसकी स्पीड ना बहुत ज़्यादा रहती है, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, और अगर खड़ी हो जाए ना तो मान लो फिर आपका तो सर पकड़ना ही पकड़ना है। तो इस वजह से मैं एडिटिंग रोक देती हूँ, और जब चली जाती है फिर से शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट अदरक वगैरह डाला, और उसके बाद यहाँ पर आलू में छील रही हूँ। अभी सो रहे हैं, पति देव छत पर जा रहे हैं, दूध लाना था इनको, तो दूध वगैरह ये ले आ चुके हैं। क्योंकि मौसम ठंडा है वैसे अभी को लेकर जाते हैं, लेकिन मैंने कहा मत ले जाना, क्योंकि मौसम भी ठंडा था, और उसके बाद फिर जो है अभी एकदम सुबह ही थी। फिर लीजा को टहलाने ले जाते हैं, एक बार जब सोकर उठते हैं तो टहलाते हैं, एक बार हॉस्पिटल जाने से पहले टहलाते हैं, क्योंकि जो है फिर पूरा दिन उसको घर में ही रहना है, तो इस वजह से उसको 2-3 बार जब तक रहते हैं तब तक टहला देते हैं। तो बस कौन है इस मेरे तरीके जो अपना काम इस तरीके से करता है, मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज आप लोग के साथ अपनी रियल मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हैं। तो यही है मेरी रियल मॉर्निंग रूटीन, और मैं ऐसे ही अपना काम मैनेज करती हूँ। अभी देखिए फैमिली वगैरह होता ना तो सारा काम घर का करो, पहले क्लीनिंग करो, उसके बाद नहाओ, फिर पूजा पाठ करो, फिर जो है किचन में आओ। लेकिन अभी हम ही लोग हैं तो फिर मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश नहीं, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो मैं भी वैसे ही करती हूँ। अगर जल्दी नहीं उठ पाती हूँ तो मैं सबसे पहले फिर लोग का नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि फिर भूखे पेट जाएंगे ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर पूरा दिन इन लोग को दौड़ना रहता है, जैसे चाचा जी हो गए, ये हो गए। तो यहाँ पर मैंने इनको, इनके लिए, सबके लिए मैंने चाय निकाली। पति देव को नमकीन पसंद है मॉर्निंग में, तो मैंने इनके लिए नमकीन निकाल दी। चाचा जी नमकीन खाते नहीं हैं तो मैंने उनको नहीं दी, सबको मैंने चाय दे दिया। फटाफट अपनी चाय भी मैंने निकाल ली, और बस कढ़ाई चढ़ा दिया। तो मेरी सब्जी कुछ टाइम से लोहे की कढ़ाई में ही बन रही है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और जलती तो बिल्कुल नहीं है। आप अपने हिसाब से लाल कर सकते हैं, जितना भी लाल वाल करना हो। और भुजिया जो है लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कुरकुरी हो जाती है ना तो अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर मैं भुजिया थोड़ा सा चटपटा बनाती हूँ, सादा भुजिया मुझे अभी के लिए कभी कभी बनाती हूँ, तो एक आध आलू का तवे पर बना देती हूँ। और इन लोग के लिए जब मैं बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा मुझे उसमें प्याज लहसुन हरी मिर्च सारा कुछ मतलब ऐड करना पड़ता है। तो इन लोग की भुजिया दूसरी होती है, मेरे बच्चे वाली भुजिया दूसरी होती है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जीरा डाला, उसके बाद प्याज और हरी मिर्च डाला, मैंने 2 प्याज कट किया है। थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, किचन के पास छिलके वगैरह मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी रहते हैं ना तो ऐसे ही काम वगैरह होता है। तो यहाँ पर फटाफट मैंने प्याज भुना, उसके बाद मैंने भुजिया कट करके रखी थी, फटाफट इसको डाल दिया। तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा भुजिया कट करी हुई है, क्योंकि दोपहर में दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा यमी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा यमी लगती है। तो मैंने सोचा नाश्ते में भी हो जाएगा, दोपहर मैं दाल चावल बनाऊंगी उसके साथ भी हो जाएगा। तो कौन कौन है जो इस मेरे तरीके से करता है जरूर बताना। और बस उसके बाद अभी मैंने फटाफट जो है आटा निकाला, अभी आटा लगा लूंगी, और उसके बाद फिर रोटी बन जाएगी। तो बस कुछ इस तरीके से मेरा नाश्ता होता है, और कुछ इस तरीके से मैं अपना नाश्ता तैयार करती हूँ, और बस फटाफट मेरा काम जो है वो हो जाता है। आप लोग अपना काम कैसे मैनेज करते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोग तो मेरी लाइफ देखते ही हैं, मैं कैसे करती हूँ, कैसे खाती हूँ, कैसे पीती हूँ, कैसे रहती हूँ,
पर आप लोग के कमेंट्स इतने अच्छे अच्छे आते हैं, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपना नाश्ता कैसे बनाते हैं, कैसे आप मॉर्निंग रूटीन अपने रखते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और मैं उसका रिप्लाई दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स को पढ़ना, उनका रिप्लाई करना। तो बस फटाफट मैंने आटा लगा के रख दिया, इसमें नमक डाल दिया, टमाटर डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी और मसाला वगैरह बिल्कुल नहीं डालूंगी, बस हल्दी मैंने डाल दिया है कलर के लिए और धनिया कट करके रखा है, जब हो जाएगा तो धनिया डाल लूंगी। तो बस दूसरी तरफ मैं चलिए रोटी बनाती हूँ फटाफट और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो सुबह देर उठो, जल्दी उठो, लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी है ना तो काम भी फटाफट हो जाता है, जैसे कि मेरा हो गया, फटाफट मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, बस रोटी बना दूं और ये क्लीनिंग वगैरह ना तो लगा रहेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरा क्यूटी उठेगा तो उसको मुझे मालिश करना है, मालिश वगैरह करूँगी, उनको दूध वगैरह दूँगी, जब वो दूध वगैरह पी लेंगे उसके बाद फिर मैं अपना क्लीनिंग रूटीन जो है शुरू करूँगी, क्योंकि फिर 1 घंटा तो लग ही जाएगा, पूरे घर को साफ करना, बर्तन धुलना, ये सारा कुछ 1 घंटा लग जाता है, 100% 1 घंटा लगेगा, और इन लोग को, ये लोग तब तक चले जाएंगे तो बस फ्री हो जाऊंगी, फिर अपना क्लीनिंग होता रहेगा पूरा दिन, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए फिर रोटी मैंने बना दिया है, चलिए पतिदेव की थाली लगाते हैं। तो यहाँ पर रात की भी सब्जी रखी थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा उसको भी थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, और रात की जो सब्जी है वो है शिमला मिर्च गाजर मटर की, तो उसको भी थोड़ा सा फ्रिज से निकाल कर गर्म कर देंगे, लेकिन पतिदेव को वो बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए जो है पूछ लूँगी, अगर खाएंगे तो दूंगी, नहीं तो फिर मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई, मैं खाती हूँ। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी रियल मॉर्निंग रूटीन, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय फ्रेंड्स।